गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:45 PM एंड वी आर ऑल सेट फॉर गोवा। सो इट्स गोवा अगेन, ट्रिप को सेट कर दिया है जीरो में एंड जितना अभी फ्यूल है उस हिसाब से 346 किलोमीटर तक जाएगी। यहाँ से निकलने के बाद गाड़ी में करवाने वाला हूँ फुल, तो बी है अपना ट्रिप। ए का एवरेज 18.7 है, हाईएस्ट इसमें अचीव्ड है 19.3 ऐसा कुछ, एंड जैसा कि मैंने बोला था सो विल बी गोइंग टू गोवा, बट दिस टाइम घूमने नहीं, एक शादी अटेंड करने, एक तरह से देखा जाए तो घूमने ही हुआ, बट शादी अटेंड करने के लिए हम लोग जाएंगे, दोस्त की शादी है, इन्जॉय करना है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ देखो कवर्ड पार्किंग मिल गया है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। पहले गाड़ी ओपन रोड पे खड़ी रहती थी, दिक्कत बहुत सारा था, अभी काफ़ी हद तक इश्यूज़ रिजॉल्व्ड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। छोटा सा चाय का ब्रेक था, अभी हो रहा है 12:51। नाइस रेस्टोरेंट, करनाला बर्ड सेंचुरी क्रॉस करने के बाद ही है, गोल्डन ढाबा, यू कैन टेक अ स्टॉप हियर। खाना अच्छा है, हम लोग चाय पिए थे, चाय तो वैसे अच्छा ही था। भाई अभी टाइम हो रहा है 3:24 और हम लोग आके पहुँचे महाड। बिलीव मी, महाड से पहले रोड कंडीशन बहुत ही बेकार है और NH66 में एमिनिटीज़ की भी बहुत कमी है। सो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हुए थे, अभी वापस 7 hours 19 minutes 373 किलोमीटर्स। अब ये कौन सा जगह है पता नहीं, अभी हो रहा है सुबह का 7:45। क्या सीनिक ब्यूटी है, चंदा मामा भी है ऊपर और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे रास्ते मिल रहे हैं। सही रास्ता बहुत कम ही मिला है, बट जितना भी मिला है सही मिला है। अभी मैक्सिमम जगह काम चल रहा है, या तो वन वे है। यार कैमरा इज नॉट डूइंग द जस्टिस टू द व्यू, क्या सही व्यू है यार। इधर कोहरा भी छाया हुआ है, इट्स फैंटास्टिक। अभी के टाइम के हिसाब से भी हम लोग 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, टाइम भी अपना सही चल रहा है, बस ये व्यू देख के रहा नहीं गया, क्या व्यू है। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने रिसोर्ट लेजी पम, गाड़ी उधर। ये भाई लोग ट्रेन से आए और हम लोग इधर आके मिले सेम टाइम, यानी हम लोग फास्ट आए, घर वर मिल गया। ये मोबाइल किसका है इधर, चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पहले घर के अंदर घुस के देख लेते हैं घर। वाह वाह ऊपर, क्या बात, चलो ऊपर। हम सबको 4 रूम मिला है, दिस काइंड ऑफ 1 BHK, काफी स्पेशियस है। दिस इज द बेडरूम व्हिच लुक्स गुड, प्राइस पता करना पड़ेगा, इट्स नीट एंड क्लीन। मैं जब ऑगस्ट में आया था द वॉशरूम इज एक्चुअली नीट एंड क्लीन, काफ़ी बड़ा है, एंड देयर इज कंप्लीट हॉट वाटर अवेलेबल 24/7। टीवी भी है, पता नहीं चलता है कि नहीं, बट द कॉटेज लुक्स गुड। सो हमारा ऊपर 2 घर है, नीचे 2 है, फ्रिज भी है, इज इट वर्किंग देखते हैं, शायद वर्किंग हो। वैसे तो
ठंडा लग रहा है। आई बिलीव दिस इज वर्किंग। घर तो वैसे अच्छा ही लग रहा है देख के। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में बीच है और इधर पीछे दैट इज दैट वे स्विमिंग पूल है। ये है अपना वेन्यू। भाई काफी गर्मी है, शाम तक वेदर थोड़ा सेटल हो जाएगा तब थोड़ा राहत मिलेगा। इट्स टू हॉट भाई, अपना मस्त लग रहा है। देखा आने नहीं दे रहा था हमारे, तो एक काम भी तो हो रहा है ना उसका भी। लव चल बहुत शुरू, उस होटल भी चाय पिला के पसीना हो है मैंने तुम्हें कम पानी के लिए बोल।
So Irsh, I didn't fall in love with you. I walked in love with you. With my eyes, arms wide open. And I chose to be with you, and I'll choose to be with you always. In 100 worlds and in 100 lifetimes, I'll always choose you. And I'll always find you in any reality of the world. I'll always find you and I'll choose you. I love you. कुछ तो बोलना चाहिए उसने, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। जवाब तो दो, जवाब देना होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल थोड़ी पूछा है, सवाल जवाब। मैंने बस अपने दिल की बात बताई है, अब उसकी बात। करारा जवाब मिलेगा, मुझे चाहिए। As he said that we did not actually fall for each other, it was very much, it just happened instantly from the time we met. And he's the most beautiful thing that has happened to me. I had a family when I was at home. I have an added family, the Asha family here, and I love all of them. He's brought that happiness in my life as well. So they all love me very much. I love them very much. I will miss my family, of course. He's the most sweetest and understanding partner that I could ever wish for. And he's just amazing. I love you too, Partha. कॉफी उत्करण के हेल्प पर इर्शदा को जाता है। भाई बीच में जाने का सीन था, सब अभी दुकान में घुसे पड़े हैं। कब तक ये लोग निकलेंगे, बीच में जाएंगे, घूमेंगे, फिर जाएंगे शादी के वेन्यू। भाई लोग कुछ खरीदे? हाँ, हमने यहाँ से एक पैनिस क्रीम ली इनके लिए, और अभी देख रहे हैं ये श्रृंगार के लिए सामान दे रहे हैं। कहते हैं कि काली माँ को कुछ चढ़ाओ तो उसके वो शादी फल मिलता है। चल रहा है अभी शादी का रसम, सो सब तैयार सज धज के। लगभग कल जैसा ही है, बट ये वेडिंग स्टेज आज ये नया बना हुआ है, कल उससे आगे हुआ था। जैसे फोटो फ्रेम सब जाके फोटो निकाल रहे हैं। स्टेज के पास अभी जाने का कोई मौका ही नहीं है।
फाइनली लड़की का विदाई। आधी रात को कलंगुटे बीच, दोस्त मिल गया। चिकू बैठो गाड़ी में, अभी बैठ सकते हो? ले मैं देखता हूँ, आप बैठ के स्टार्ट कर दो और कुछ भी मत कर दो, आपको मालूम न्यूट्रल पे है गाड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है 8:09 एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू गोवा। कल रात हम लोग ये साइड से गए थे बीच में, सो इट्स लाइक 2 मिनट्स वॉकिंग टू बीच। और ये है अपना रिसोर्ट लेजी पम्प्स, जहाँ पे हम लोग रुके थे। सो यहाँ आप अगर मेरे जैसे प्राइवेट कार लेके आते हो तो आपको रोड साइड पार्क करना पड़ेगा। इट इज़ सेफ पार्किंग सो फार। डिनर ब्रेक, ये कोई घाट सेक्शन में घुसा दिया है। और ये घुसाया 20 किलोमीटर है यहाँ से। और ये घुसाया है जस्ट टू अवॉइड दैट बैड पैच, क्योंकि सीधा हम लोग अगर जाते हैं वो टूटा फूटा सा रास्ता होता। नहीं, ये पनवेल 20 क्या लिखा था मेरे को भी नहीं समझ में आया। 20 किलोमीटर थोड़ी, तो पनवेल अगर 20 किलोमीटर है तो फिर तो नहीं, वो कोई कुछ और होगा पनवेल। ये कहीं अंदर से निकालेगी अभी, कहाँ निकलेंगे क्या पता, क्या पता देखते। मैं वही चेक कर रहा था ना, मैप चेक करने की कोशिश कर रहा था कि गूगल मुझे कौन सा मैप बता रही है, तो मेरे को समझ में नहीं आया। देखते कहाँ कैसे लेके चलती है। हाय गाइस, सो वी आर फाइनली बैक फ्रॉम गोवा। टोटल ट्रिप वाज लाइक 1345.2, सो दैट इंक्लूड्स लोकल ट्रैवल एज वेल। टोटल मुझे इस पे खर्चा हुआ है 8,000 का डीजल मैंने डाला है, दैट्स इट। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस वाज जस्ट फैंटास्टिक। आदि में गए थे हम लोग तो अरेंजमेंट वाज जस्ट सुपर्ब। रहने का हम लोग जहाँ रुके हुए थे द स्टे वाज गुड। पार्किंग भी था, नॉट एग्जैक्टली विद इन द कैंपस बट वेरी मच तो पार्किंग था, सेफ पार्किंग था। जहाँ पे शादी का वेन्यू था वहाँ इन साइड द कैंपस पार्किंग है, वहाँ भी रहने का इंतज़ाम अच्छा था। तो सिंस हम लोग कैंडलिम में रुके हुए थे, बीच वॉज ईजिली अप्रोचेबल, देन मार्केट एरिया भी पास में ही था, प्रेटी मच वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा खाने का रेस्टोरेंट्स भी
वॉकिंग डिस्टेंस पर था, एवरीथिंग वाज विद इन आवर रीच, सो वी एंजॉयड. फर्स्ट डे हम लोग गए हल्दी था, सुबह हम लोग पहुँचे, थोड़ा सा एक डेढ़ घंटे का रेस्ट मिला, भागे दौड़ के हम लोग गए हल्दी में, बहुत मज़े किए. हल्दी के बाद हम लोग वापस आए, फ्रेश होके गए शाम को संगीत था, संगीत में भी काफ़ी मज़ा आया. फिर अगले दिन हम लोग सुबह निकले, वी हैड आवर ओन टाइम, स्पेंड टाइम ऑन पूल अगेन सेकेंड डे. फर्स्ट डे भी हम लोग हल्दी से वापस आने के बाद पूल में गए थे, सेकेंड डे भी हम लोग गए पूल में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, मज़े किए. शाम को शादी में भी मज़े किए. शादी के बाद आके हम लोग गए थे कैंडलिम के बीच पे वॉक पे, तो वहाँ पे हमें ये डॉग मिला, वो स्टेड विद अस टिल द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले, निकल के हम लोग थोड़ा बहुत आंटी को पिक किया. आंटी को पिक करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत गोवा घूम लिए. घूम के वी स्टार्टेड फ्रॉम गोवा लेट आफ्टरनून अराउंड 2:30-3. हम लोग NA66 ही लिए थे, बट फॉर सम रीज़न गूगल ने हमें काफ़ी आई थिंक मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया मैप पे, 3-4 घाट सेक्शन हम लोगों ने क्रॉस किया, ये पहली बार ऐसा था. बट इट वॉज़ गुड, द रोड वॉज गुड, एंड हम लोग काफ़ी आराम से आए ब्रेक्स लेते हुए. 5:30 इन द मॉर्निंग वी रीच्ड मुंबई. सो नाउ ये गाड़ी अब जाने वाली है क्लीनिंग के लिए विद पॉलिश. सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया शादी में, गाड़ी का राइड एक्सपीरियंस भी अच्छा था, इट वाज अ प्लेजर एज वेल एंड कंफर्टेबल जर्नी था. और आंटी तो मेरे साथ बैठी हुई थी, इवन आई स्लेप्ट फॉर 10 मिनट्स बट शी डिडन्ट इवन बॉदर टू स्लीप, आंटी बिल्कुल भी सोई नहीं. सो आई हैड अ परफेक्ट कंपेनियन एंड एंजॉयड आवर ट्रिप. अभी सोच रहा हूँ कुछ और बहुत जल्दी प्लान करने का, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड ड्राइव सेफ. बाय बाय.